हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई नकुल। सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही एक्सपेंसिव वीडियो, जिसमें हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस। और हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो हवा से ही हल्की होती है वो जलती है नहीं जलती है। हम पहले हाइड्रोजन गैस अपने एक बैलून के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन उसे जला कर देंगे विद सेफ्टी के साथ, तो जल्दी नहीं जलती। और हाँ, आप कृपया कुछ भी ऐसा घर पर करने का ट्राई ना करें विदाउट सेफ्टी, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये बीकर ले लेते हैं और इसमें पानी डाल लेता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, मैं थोड़ा सा पहले बीकर में पानी डाल लेता हूँ। हमने पानी डाल लिया बीकर में और इसके अंदर डाल लेते हैं हम कास्टिक सोडा थोड़ा सा। ये हमने इधर कास्टिक सोडा ले लिया अपना NaOH और हम इधर घोल लेते हैं। ये हमारा घुलना स्टार्ट हो गया है गाइस, ये हमारा पूरी तरह घुल चुका है और ये जो है इतना गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ जलने लगे हैं हमारे, इससे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है इस टाइम। अभी धीरे धीरे घुल रहा है। तो गाइस, ये हमारा भी घुल चुका है पूरा। मैं इसको फ्लक्स में कर लेता हूँ। ये मैंने इसमें कर लिया अपना घोल पूरा। ये अपना ये भी काफ़ी ठीक हो चुका है। मैं एक बैलून ले लेता हूँ, बैलून के अंदर भी हम स्टोर करेंगे। हमने ले लिया एल्यूमिनियम फॉइल अपना। मैं इसे हल्का सा बैंड कर लेता हूँ जो इसके अंदर आराम से चला जाए। दो टुकड़े ले लिए हमें छोटे छोटे, क्योंकि इसकी रिएक्शन जो है खतरनाक होने वाली है। गैस और स्टीम दोनों एक साथ निकलेंगी। अब मैं इसमें डाल लेता हूँ और इसके ऊपर डाल के हम जो है तुरंत बैलून लगा देंगे, जिससे हमारा बैलून के अंदर ही स्टोर हो जाए। ये हमारी रिएक्शन होने स्टार्ट हो चुकी है, आप देख चुके हो, और ये हमारी गैस निकलने स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये हमारी हाइड्रोजन गैस इसमें स्टोर होनी स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे धीरे, जो हमारी आवाजें भी हल्की, और रिएक्शन कितनी तगड़ी हो रही है देख सकते हो आप। रिएक्शन बहुत ही तगड़ी हो रही है। गैस इसके अंदर गुब्बारा धीरे धीरे हमारा फूलता जा रहा है, हाइड्रोजन गैस के अंदर स्टोर हो गई। रिएक्शन देखो आप कितनी खतरनाक हो रही है इसकी, और जो हमारी गैस है पूरी इसके अंदर स्टोर हो गई है। सो गाइस, ये हमारी जो है हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की है, ये हमारी स्टोर हो चुकी है और इसमें कुछ जो है वाष्प बनी है, इस वजह से भी हवा में उड़ नहीं पा रहा है। देखो कितनी स्पीड से हमारी जो है गैस निकल रही है, पर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म हो रहा है। ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। अभी हम एक बार बोतल के अंदर बनाएंगे जिससे हमारी स्टीम न जाए, और उस गुब्बारे को फिर ब्लास्ट करके देखेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो स्टोर हुई है पानी से और कास्टिक सोडा से बनके, वो जलती है नहीं जलती है, ये देखने वाले। और देखो आप इसका कलर कैसा हो चुका है गाइस, कलर बिल्कुल इसका ब्लैक हो चुका है और हमारा एल्यूमिनियम फॉइल जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला, बिल्कुल खत्म। कितना सारा डाला था हमने, ये हमारी इसमें से गैस निकल रही है। हमारा धीरे धीरे जो है छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये गैस जो है बहुत ही हल्की है हमारी, इसलिए धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है टेम्परेचर, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हम एक बार इस बोतल के अंदर बना के देखते हैं अपना, हमारी इस बोतल के अंदर जो है स्टीम कम जाएगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा जाएगी, उसके बाद हम तुरंत जला के देखेंगे लाइट्स ऑफ करके। तो गाइस, हमने अगेन ले लिया इसमें वाटर और मैं इसमें क्वांटिटी डालने वाला हूँ दोबारा अपनी कास्टिक सोडा की। एक चम्मच के राउंड ऑफ, ज्यादा ना हो, देख देखना है आपको। तो गाइस, ये हमारा डल चुका है कास्टिक सोडा काफी मात्रा में, पूरे घुल चुका है पूरा।
ये देखो इसमें से भाप निकल रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है अभी से। कितनी गैस निकल रही है, गैस निकल रही है। हमारे मोहित भाई ने बताया, हम पहले भाप बता रहे थे, अब मैं इसको जो है लग पाऊ। सो गाइस मैं इसने इस अपने जो है मिक्सर को इसमें डाल रहा हूँ बोतल में। हमने बोतल में डाल लिया अपने में, और मैं इसके अंदर दोबारा से अपने एल्यूमिनियम फॉइल की लेयर डालने वाला हूँ। बहुत ही गर्म हो चुकी है ये हमारी हाइड्रोजन गैस के अंदर लगी हुई है। सो गाइस हमारी रिएक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही है एल्यूमिनियम की, और हमारे बैलून में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है। देखो हल्की इकट्ठी करने के बाद हम इसको जला के देखने वाले हैं हमारी हाइड्रोजन गैस जो है हवा से भी हल्की होती है, जलेगी नहीं जलेगी, ये ट्राई करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि हमारी हाइड्रोजन गैस में जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है, गुब्बारा बहुत तगड़े से फटा था जब हमारे निकुंज रक्षित भाई जो है गुब्बारे में हम जो है ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने दो बार ट्राई करा, दोनों बार गुब्बारा हमारा बैलून जो है अच्छे से फटा। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ प्लीज एक बार और बोल रहा हूँ, आप ऐसी चीजें बिना सेफ्टी के ना करें, हमारी पूरी टीम सेफ्टी वॉलंटियर टीम पूरा सेफ्टी के साथ काम करती है, वरना आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है हानि हो सकती है। आज की वीडियो में नहीं मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, इस तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।